everyone, I am Akanksha, welcoming you all. And in this video, we are going to discuss the question answers of the legend behind a legend. Our last video, we covered the legend behind a legend draw entire chapter. And today, we will discuss the question answers. So, unit 1, the first question is, who is Khairi? Khairi kye thila? Khairi is a legendary tigress of Jashipur. Khairi kothika tigress thila? Jashipur. And jodi legend ro mane tumane janino, mu tumanku suggest karibi ki chapter ta jaiki prathome bujho. How did the writer come to know about Khairi? Writer Hariharan Balakrishnan Khairi bisare kipari janiya pai paile. The writer came to know about Khairi when he had read a small news item in the Statesman that threw light on the latest exploits of the tigress in the Simlipal forest of the Odisha. So, what a choto newspaper article se padithile, ko newspaper ta thila seta? The Statesman. The Statesman is ye padithile about the latest exploits of tigress in the Simlipal. Simlipal jungle le jota ki Odisha re achi, seti gote tigress achi, तारो विरोध बा ता पराक्रमता विषय रे से न्यूज़पेपर रे पढ़ीतिले आ जोटा कि तंको क्यूरियोसिटी को बढ़ाइतिला से आसे कि ओडिसा विजिट करी कि खैरी को मीट करिया पे आ से जसीपुर विजिट करी कि खैरी को मीट करिया पे आसतिले. देन हु वाज द फोस्टर फादर ऑफ खैरी. खैरी रो फोस्टर फादर के थिले. सरोजराज चौधरी वाज द फोस्टर फादर ऑफ खैरी. सरोजराज चौधरी थिले खैरी रो फोस्टर फादर. फोस्टर फादर माने बायोलॉजिकल फादर नुहे जे ताको पाळी थिले. व्हिच स्टेट डज द राइटर बिलोंग टू. राइटर हरिहरन बालकृष्णन को स्टेट रो बिलोंग करंदी. द राइटर बिलोंग्स टू ओडिसा. हरिहरन बालकृष्णन इज फ्रॉम ओडिसा. व्हाट डिड ही लर्न अबाउट सरोजराज चौधरी एज अ पर्सन. जेतेबेले से सरोजराज चौधरी को भेटी नथिले तांको विषय से कोन सुनिया पई पाई थिले. ही लर्न दैट सरोजराज चौधरी ओनली टॉलरेटेड इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग. से कौन जानते स्टोरी रे गोटे वर्ड थिला ब्रुक नो नॉनसेंस एंड सफर नो फॉल्स. माने केवल से इंपोर्टेंट लोक मानको ही टॉलरेट करथले आउ नेसेसरी जिंस से जमा सुनिया पई चाहु नथले. बट नो स्टुपिडिटी इन अदर्स. स्टुपिडिटी माने बोकामी. बिल्कुल कहारी अदरकारी कथा बा बोकामी को से टॉलरेट करू नथले. हाउ डिड ही कांटेक्ट मिस्टर चौधरी. सरोजराज चौधरी को राइटर केमती कांटेक्ट करथले. ही कांटेक्टेड मिस्टर चौधरी बाय राइटिंग अ लेटर टू हिम आफ्टर गेटिंग हिज एड्रेस. से प्रथमे तांको एड्रेस कलेक्ट करथिले तापर तांको गुटे चिट्ठी लेखिथिले सही एड्रेस रे. व्हाई डिड ही रेफर सम ऑफ हिज आर्टिकल्स टू मिस्टर चौधरी. तो आमे जानिचु जे हरिहरन बालकृष्णन मध्ये न्यूज़पेपर पई आर्टिकल लेखुथिले. तो जेतेबेले से मिस्टर चौधरी को पाकु लेटर लेखिले तांको आर्टिकल बिषय से काहे कि सेतरे लेखिथिले. ही रेफर्ड सम ऑफ हिज आर्टिकल्स टू मिस्टर चौधरी इन द होप ऑफ गेटिंग हिज रिस्पोंस. तो गोटे भल इम्प्रेशन क्रिएट करिया पई से आर्टिकल्स विषय रे लेखिथिले सेतरे आ तांकर रिस्पोंस मध्ये तांको पाया पई बहुत इच्छा थिला. डेड मिस्टर चौधरी रिप्लाई टू द ऑथर्स लेटर. ऑथरकर लेटर रो प्रत्युत्तर रे मिस्टर चौधरी रिप्लाई देथिले कि व्हाट डिड ही राइट आ से लेटर से कोन लेखिथिले. यस मिस्टर चौधरी रिप्लाई टू द ऑथर्स लेटर. हरिहरन बालकृष्णन कर लेटर रिप्लाई रे मिस्टर चौधरी गोटे आउ गोटे रिप्लाई लेटर पठेथिले. The former wanted the letter to inform him in advance the manner and the time of his arrival. एटी former कहाँ को था को हाऊ ची सरोजराज चौधरी को था और एटी letter कहाँ को था को हाऊ ची हरिहरन बालकृष्णन को था. सरोजराज चौधरी चाहो तले जे हरिहरन बालकृष्णन केपे आउ केते बड़े जशीपुरे पहुँची बे तंगो time of arrival आउ केते बड़े केपे से पहुँची बे ये सबु गुड़े advance रे लिखी की तंगो पठान दो. Next हमें जी भाई unit 2 को. How did the writer come to Bhubaneswar? Writer Bhubaneswar ko kemti astile. The writer came to Bhubaneswar by train. Ab Bhubaneswar pahunchila pare se Jashipur kemti astile bus neki. Then how did he go to Jashipur from Bhubaneswar? Eti second question mothe dei dela tum pai. He went to Jashipur from Bhubaneswar in an overpacked bus. Ta Jashipur ko se kemti astile Bhubaneswar ro gote bahut bhido thiba bus neki astile. Then how did the forest guard receive him? Jashipur pahunchila pore forest guard tanku kemti receive karthile. The forest guard received him in a very cordial manner. Cordial ro artho hochi antariko mane antarikotar sahas tanku seti Jashipur ko welcome karthile. He guided the writer ko guide karthile kohti. Took him to the guest house ponto se neki asthile. Made him stay in the guest house tanku guest house re rakhaithile.
assuring him that the water was in the jug. ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଗ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଅଛି। Why was he terror-struck? ଏଠି ହି କାହା କଥା କୁହାଉଛି, ରାଇଟରଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଥିଲେ, terror-struck ମାନେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖିବା, ହି ୱାଜ୍ terror-struck ବିକଜ୍ ହି ହର୍ଡ଼ ଦ କ୍ଲିଅର୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଗର ଜଷ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଡୋର। ସେ ତାଙ୍କ ଡରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର କ୍ଲିଅର ଭଏସ୍ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟାଇଗରର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ କୋଉଠି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଡୋର, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କ କବାଟ ବାହାରେ ଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବିୟରର ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଅବାଉଟ୍ ଖଇରୀ, ଯୋଉ ବିୟରର ମାନେ ଯେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଚା ଟି ଆଉ ବିସ୍କିଟ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଖଇରୀ ବିଷୟରେ ସେ ରାଇଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଦ ବିୟରର ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦାଟ୍ ଖଇରୀ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ନୋ ଅବାଉଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଖଇରୀ ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଟାଇଗର ନୁହେଁ, ଖଇରୀ ହିଁ ବାହାରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଯେ ଘରକୁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଅବାଉଟ୍ ଖଇରୀ, ଆଉ ଖଇରୀ ସେଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛି, କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁନି, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘରକୁ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଡୁଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ମିଟ୍ ହିମ୍, ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ୱେନ୍ ଦ ରାଇଟର ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀ ବା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ହି ୱାଜ୍ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ଚେୟାର, ତ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରାଇଟର ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ରିଟ୍ ଦ ଅଥର, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କେମିତି ଜଣେଇଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ହାଇ ହେଲୋ ଏମିତି କେମିତି କରିଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ୱାର୍ମଲି ଗ୍ରିଟେଡ୍ ଦ ଅଥର, ସେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ରୁଡ୍, ବହୁତ ନନ୍ସେନ୍ସ କଥାକୁ ଜମା ଟଲରେଟ୍ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ୱାର୍ମଲି ଗ୍ରିଟେଡ୍ ଦ ଅଥର, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିଥିଲେ। ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିୟର, ସେ ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭାଲୁର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିୟର ୱାଜ୍ ଜମ୍ବୁ, ଏଇ ନାଁଟି ମନେ ରଖିଥିବ, ବିୟର ନାଁ ଥିଲା ଜମ୍ବୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ତୁମକୁ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ସେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ୱାଜ୍ ଅ ୱିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ସ୍ୱିଫ୍ଟିଜ୍, ସେ ବହୁତ ଫ୍ରେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ଫ୍ରେଲ୍, ଫ୍ରେଲ୍ ଅର୍ଥ ହିଁ ୱିକ୍, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା, ନିୟରଲି ଅବାଉଟ୍ 50, 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହବ, ୱିଥ୍ ଅ ବାଲ୍ଡନେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍, ଆଉ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ବାଲ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚନ୍ଦା ଥିଲା। ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଅଥର ଫାଇଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଟୁ ବି, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲେ ଅଥର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ଇନ୍ ଅଥର୍ସ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍, ମାନେ ଅଥରଙ୍କ ହିସାବରେ, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ରୁଡ୍ ନଥିଲେ, ବରଞ୍ଚ ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ, ବହୁତ ଏମିଏବଲ୍ ଥିଲେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ କଥା ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବା ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ବିସାଇଡ୍ସ, ଏହା ଛଡ଼ା ସେ କେମିତି ଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ଭେରି କେୟାରିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଆନିମଲ୍ସ, ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କେୟାରିଂ ଥିଲେ। ଆହୁରି ବି ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ହି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ଲଭର ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3, ୱାଟ୍ ଥିଓରୀ ଡିଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରୁଭ୍ ରଙ୍ଗ, ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କୋଉ ଥିଓରୀ ବା କୋଉ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଦ ଥିଓରୀ ଦାଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରୁଭ୍ ରଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦାଟ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅନ୍ଲେସ୍ ଦେ ୱେର୍ ଟୁଗେଦର ଫ୍ରମ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନ ଲେଖିକି ତୁମେ ଇନଫାନ୍ସି ବି ଲେଖିପାରିବ। ସୋ ଦ ଥିଓରୀ, କୋଉ ତଥ୍ୟଟିକୁ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣା ଥାଏ, ଯଦି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଶୈଶବ କାଳରୁ ବା ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନ ରଖାଯାଏ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ହାସ୍ ଡିବଙ୍କ୍ ଦ ଥିଓରୀ, ମାନେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟିକୁ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ବିକଜ୍ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗରୀର ଆନିମଲ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, ମାନେ କୋଉ ଆନିମଲ୍କୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, କୋଉ ଆନିମଲ୍କୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନିମଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଅବାଉଟ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ସରୋଜରା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ଥିଲା। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ୱାଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ବିକେମ୍ ଦ ହ୍ୟାବିଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ହୁ ଅଲ୍ କେମ୍ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ସ, ଏହି ହ୍ୟାବିଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସସ୍ଥାନ। ସୋ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ
species of animal, wild animals, विभिन्न प्रकार रो, विभिन्न प्रजाति रो wild animals को किपरी भाबरे तांको घरे आनी की रखी चंदी, जो माने की different stages of their lives, माने तांकरो जीवन रो अलग अलग समय रो आस चंदी, माने की बार्धक्य समय रो आस ची, की शैशव समय रो आस ची, it also dealt with their coexistence and the close relationship between Khairi and the Krait, a dangerous snake. ए स्टोरी रे से आहुरी कौन कोई थिले? जे तांकरो coexistence देखी थिले, आउ तांकर रिलेशन गुटे देखथिले खैरी आउ गुटे क्रेट माने गुटे रणा सप भितरे गुटे केमते स्टोरी हेतला ताको मध्ये से कहितिले व्हाई इज इट सो यूनिक एंड अमेजिंग आउ ए स्टोरी टी काहे केते यूनिक थिला काहे केते डिस्टिंक्ट थिला काहे केते अलगा थिला आउ अमेजिंग एते भलो काहे के थिला इट इज सो यूनिक एंड अमेजिंग बिकॉज ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट खैरी शोड हर रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेट बिकॉज खैरी रिएक्ट करथिला कहार प्रेजेंस रे कहार उपस्थिति रे से क्रेट रो उपस्थिति रे जो तांको घरे थरे गुटे छोटो रणा सब मिलिथिबो आउ गुटे एक्सपेरिमेंट गुटे परीक्षा करिवा पई सरोजरा चौधरी से रणा सपटी को खैरी पाखरे छाडीथिबे आ खैरी बहुत एक्साइटेड थिबो से नुवा क्रिएचर विषय रे अधिक जानिवा पई तो जते जते खैरी आउ से सापर डिस्टेंस जते कमी आस्थुबो सरोजरा चौधरी से सापो को धरिकि पछाडु टाणी अनथुबे द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स आउ क्रेट तुमे जानिछो बहुत विषधर सर्प अटे Khairi was curious to know more about the crate as it was a stranger to her. Jehetu se crate ti gote stranger thila, gote ajana thila, kaha pai Khairi pai. Ta bisare janiwa pai bahut curious thila, mane bahut kautuhala dekhautila. Fourth question hochi, why did Mr. Chaudhary allow Khairi to come near the crate? Mr. Chaudhary Khairi ko kahi ke allow karthule? Se rona sap pakho ko jiwa pai Khairi ko Mr. Chaudhary kahi ke allow karthule? Mr. Chaudhary allowed Khairi to come near a crate. Mr. Chaudhary Khairi ko allow karuthile se crate ronasapa pakku ko jiwa pai kahiki to know janiwa pai how they dealt with each other. Je dui ta alga alga jibo alga alga time re mane ebe khairi tike bodo heigilani aw saputi ebe choto achi to suddenly dui ta strange animal parasparo prati kemti behave karuchanti seita janiwa pai se allow karuthile khairi ko se crate pakku ko jiwa pai. नेक्स्ट होची व्हाट वाज खैरीस रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रेट खैरी रो रिएक्शन कोन थिला से क्रेट रो प्रेजेंस रे बा उपस्थिति रे खैरीस रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रेट वाज वन ऑफ द क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट द न्यू क्रिएचर तो से जानिबा पई बहुत कौतूहल थिला क्यूरियस माने कौतूहल थिला तर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होतला से नुवा क्रिएचर बा नुवा जीव विषय रे जानिबा पई हाउ डिड द एक्सपेरिमेंट अफेक्ट हिम आउ ए जो परीक्षा टी सरोजरा चौधरी को ऊपर कौन प्रभाव पकेतिला द एक्सपेरिमेंट मेड हिम अ परमानेंट पेशेंट ऑफ लो ब्लड प्रेशर रो गुटे परमानेंट पेशेंट हे जैतिले से व्हाट डिड द बियर ट्राई टू डू विद द राइटर से जो बियर थिला जंबू से राइटर को संगरे कौन करिया पे चाहुतिला द बियर ट्राई टू पुट हिज आर्म्स राउंड द राइटर टू शो हिज लव तार टिके अफेक्शन देखेवा पई राइटर को पछाड़ू जाई कि से गुटे बियर हग दवा पई चाहुतला व्हाट प्रिवेंटेड द बियर फ्रॉम डूइंग सो प्रिवेंट माने निवृत्त करबा आ कोनटा से बियर को से भालू को एहा करिवारु निवृत्त करथिला मिस्टर चौधरी स्ट्रिक्ट नो गुटे स्टर्नली से नो कहितिले जो स्ट्रिक्टली ना कहितिले दैट प्रिवेंटेड द बियर फ्रॉम डूइंग सो आ सरोजरा चौधरी को पार्टी जो नाटा थरे बाहर थिला सेटा एनफ थिला से बियर को रोकिया पई से भालू को रोकिया पई आ से राइटर को पाखो को जाई नथिला व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डिड मिस्टर चौधरी हैव मिस्टर चौधरी को परिवार किभली थिला एठी मिस्टर चौधरी को परिवार रे के थिले मिस्टर चौधरी हैड अ जेन्युइन जॉइंट फैमिली तांकर गोटे जॉइंट फैमिली थिला जोथरे की बहुत लोक रहउथले दैट कंप्राइज्ड अ मंगूस गोटे नेवर रहउथला अ बेंगोलिन गुटे वज्रकाप्ता वाइल्ड कैट ट्विन्स दुइटा जाना बिले थिले अ कंट्री डॉग गुटे बुला कुकुर थिला एंड अ ब्लाइंड हाइना ईच हैविंग अ नेम गुटे अंध हेटा भाग थिला आ समस्त गोर गुटे गुटे ना थिला जेंती गुटे परिवार रे मणीस मानकर अलगा अलगा ना थाए सेंती चौधरी को जॉइंट फैमिली रे सब पशु मानकर अलगा अलगा नेम थिला नेक्स्ट देखिबा व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप विथ डिफरेंट एनिमल्स तांकर संपर्क कोन थिला अलग अलग पशु मान संगे संपर्क कोन थिला
His relationship with different animals was quite familiar. अर्थ होची परिचित बा सुपरिचित किंतु तांको रिलेशन टा केमती थिला बहुत निबिड थिला तांको एनिमल्स मान को संगरे. His act of naming each of them is a case in point. आउ को लाइन रो में जानु छु जे तांकर संपर्क तांको पशु मान को संगरे बहुत निबिड थिला बिकॉज़ ईच एनिमल वाज हैविंग अ नेम. प्रत्येक पशु मान को गोटे गोटे अलगा अलगा ना थिला. ए पॉइंट रो में जानि परचु जे तांको रिलेशन तांको संपर्क बहुत निबिड थिला बहुत घनिष्ठ थिला. नेक्स्ट जिबा में यूनिट 4 को. हाउ एंड व्हेन डिड मिस्टर चौधरी कम अक्रॉस खैरी. मिस्टर चौधरी केबे किपरी आउ केबे खैरी संस्पर्श रे आसीथिले. Mr. Chaudhary came across Khairi when 12 Khairiya tribals of Simlipal brought her to him when she was 2 months cub. So, jete bele Khairi gute 2 masra chua thila sete bele 12 Khairiya tribals tribal mane janajati 12 ti Khairiya tribal e tribal na hochi Khairiya tanko na anusare baghar na rakhaithila Khairi. खैरिया जनजातिर 12 जन लोक सिमलीपाल फॉरेस्ट रु खैरी को गोटे 2 मास टाइगर छुआ को नेके आसतिले. इट वाज ऑन अक्टोबर 5, 1974 आउ केबे हेतिला एटा 5 अक्टोबर 1974 मसिया रे. इन व्हाट कंडीशन डिड ही फाइंड इट आउ से खैरी को कंडीशन रे पाइथिले तार अवस्था केमती थिला जतेबेले से सरोजरा चौधरी को पाखु प्रथम थरा आसीथिला. ही फाउंड इट इन अ स्टेट ऑफ हंगर एंड कंफ्यूजन. जेतेबेले खैरी प्रथमे आसीला सरोजरा चौधरी को पाखो को से बहुत भोकिला थिला आ कंफ्यूज थिला से जानी पर नथिला जे ता संगरे कोन होउची. देन हाउ डिड ही मैनेज द हंग्री एंड कंफ्यूज्ड कब. सरोजरा चौधरी किभोरी भाबरे मैनेज करथिले कहा को से जो हंग्री भोकिला आ कंफ्यूज्ड कब को. खैरी रो जो अवस्था सेतेबेले थिला से बहुत भोकिला थिला गर्जन करथिले रागीकी ताकू सरोजरा चौधरी किभोरी भाबरे मैनेज करथिले. He managed the hungry and confused cub by copying the sound of his mother tigress. Within a minute, she became firmly confident. संभालिया पाई सरोजरा चौधरी गुटे माँ बाघुनी रो साउंड को कॉपी करती ले माने इमिटेट करती ले माँ बाघुनी जिम्ती गुटे साउंड काढे सही भलिया बाबरे सरोजरा चौधरी मध्य गुटे साउंड करती ले and within minutes किछी मिनट मध्य रे she became माने खैरी became firmly confident. से जो सरोजरा चौधरी को ऊपर तार दृढ़ विश्वास आसी जायथिला. हाउ डिड ही ट्रीट वाइल्ड लाइफ इन हिज यंग एज. जेतेबेले सरोजरा चौधरी युवक थिले तांको युवावस्था रे से वाइल्ड लाइफ को माने जंगल रे रहथवा पशु पक्षी को संगरे से किभली भाबे ट्रीटमेंट करथिले किभली व्यवहार करथिले. ही ट्रीटेड वाइल्ड लाइफ अनकंट्रोलेबली इन हिज यंग लाइफ और यंग एज. जेतेबेले से यंग थिले त तांको मां तांको गोटे गन देथिले. So he used to shoot wild animals. जे प्रथमे मारु थिले किंतु किछि दिन परे तांकर गुडे रियलाइजेशन हैला जे एई जीवजंतु मानुको मारिबा थारु संरक्षण करिवारे बेसी आनंद अछि. नेक्स्ट जिबा व्हाट डिड ही से अबाउट हिज चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ टू द ऑथर. जस्ट मु यार आंसर तो मानको कहली तांकर एटीट्यूड रे माने तांको बिहेवियर रे कोन परिवर्तन आसीतिला टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ आडकु तांको बिहेवियर तांको व्यवहार रे कोन परिवर्तन आसीतिला ए विषय से ऑथर को मध्ये कहिथिले. ही सेड टू द ऑथर दैट हिज चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ टुक प्लेस बिकॉज़ ऑफ हिज रियलाइजेशन दैट देयर वाज अ ग्रेट हैप्पीनेस इन सेफगार्डिंग द ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स दैट डू नॉट कॉज रेकलेस हार्म टू मेन. जो पशु पक्षी माने आमर कोनसी क्षति करनांदी आमे मध्ये तांकर किछि क्षति करबा उचित नुहे बरं आमे तांको सेफगार्ड करबा उचित माने तांको सुरक्षा देबा उचित बिकॉज़ मनुष्य माने ही पशु पक्षी मानकर बेसी क्षति करथांदी. व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू द टाइगर प्रोजेक्ट. एटी कहा कथा कहा उची सरोजरा चौधरी को कथा. से जने डायरेक्टर थिले इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो तो तांकर कंट्रीब्यूशन तांकर अवदान कोन थिला टाइगर प्रोजेक्ट पाई. हिज कंट्रीब्यूशन टू द टाइगर प्रोजेक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइगर ट्रेसिंग मेथड ऑफ टाइगर सेंसर्स. सरोजरा चौधरी गोटे टाइगर ट्रेसिंग मेथड इनवेंट करथिले उद्भावन करथिले जोथरे कि बाघर पाद चिन्ह को देखिकी बाघटी केते बड़ आउ से जंगल केते बाघ होचंदी ए सब गोटे रेकॉर्ड मेंटेन करा जाउथिला. एज अ रिजल्ट जार फळाफळ कोन हेतिला वन कैन मेजर द पग मार्क्स ऑफ ईच एनिमल डिस्टिंक्टली एंड रिकॉर्ड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी केयरफुली. पग मार्क्स माने पाद चिन्ह
जहाँ टाइगर ड्रेसिंग मेथड द्वारा जड़े बाघर पाद चिन्ह को देखिकी ईच एनिमल प्रत्येक एनिमल डिस्टिंक्ट माने यूनिकली तांकर रेकॉर्ड रखी परिबो तांकर गोटे रेकॉर्ड रहूतला प्रत्येक बाघर जेटा केते बड़ हेतिबो केते एज तार हेतिबो जस्ट तांको पाद चिन्ह को लक्ष्य करके तो ए जो टाइगर ड्रेसिंग मेथड टी किए उद्भावन करथिले सरोजराज चौधरी। नेक्स्ट होची व्हाट वाज द गेस्ट हाउस लाइक गेस्ट हाउस टी किभली थिला को गेस्ट हाउस कथा कहा होची जो फॉरेस्ट रे समाने गोटे वुडन स्ट्रक्चर ऊपर रहितिले द गेस्ट हाउस वाज अ वुडन स्ट्रक्चर विथ सिंपल रूम्स एंड बाथ तो सिंपल रूम थिला गोटे वुडन स्ट्रक्चर ऊपर हेतिला जेमति गछ ऊपर घर हुए से बडे टिके ऊंचा रे हेतिला रूम्स थिला और बाथ माने बाथरूम मध्ये थिला इट वाज बिल्ट ऑन द सेट ऑफ पोस्ट्स पोस्ट माने टी खंब कथा कहौ छै ए बडे खंब ऊपर से घर टिको कराइतिला वाज एट अ हाइट ऑफ 15 फीट जोटा को 15 फीट ऊपर तयारी करा जायतिला काहे कि तांको सेफ्टी पाई जंगल जो राति बितेबे से पैसरा ऊंचा रे कराई थिला। नेक्स्ट होची व्हाट न्यू एक्सपीरियंस डिड द ऑथर हैव इन द टाइगर रिजर्व एरिया जो टाइगर रिजर्व एरिया रे ऑथर माने माने हरिहरन बालकृष्णन कर कौन अनुभूति हेतिला द ऑथर एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम वन नाइट स्टे इन द टाइगर रिजर्व एरिया तो तांको लाइफ रे से प्रथम थरो पाइट गुडे टाइगर रिजर्व एरिया माने गुडे व्याघ्र संरक्षण एरिया रे प्रथम थरो पाई रहितले दैट वाज यूनिक और जोटा कि तांको पाई गुडे यूनिक एक्सपीरियंस थिला पूरा अद्भुत एक्सपीरियंस थिला स्पेशली ऑन ए वेरी ब्यूटीफुल मचान एटी मचान रो अर्थ कोनो जे गुडे बडो लंबा वुडन स्ट्रक्चर उपरे से माने रहितले जोटा कि 15 फीट ऊंचा रे थिला आ एटा तांको पाई गुडे बहुत बडो अनुभूति थिला। एबे जीबा यूनिट 5 को आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम डिड द राइटर विजिट मिस्टर चौधरी फॉर द सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम विजिट कर सला परे इंटरवल माने विरति केते समय ब्रेक ने किबा केते समय बिरो विरति परे मिस्टर चौधरी को पुणी थरे राइटर विजिट करथिले आफ्टर 3 मंथ्स एई आंसर टाइम मन रखिबो 3 मास परे मिस्टर चौधरी को पाखो को पुणी थरे हरिहरन बालकृष्ण जाइथिले आउ एटा तंगर सेकंड टाइम विजिट थिला। व्हाट न्यू एडिशन टू चौधरीज फैमिली डिड ही फाइंड देयर चौधरी को फैमिली रे जति के जीवजंतु थिले ता छोडा कोन गुडे न्यू एडिशन थिला को नुवा जीवटिए एथरो मिस्टर चौधरी को फैमिली रे थिला द न्यू एडिशन टू चौधरीज फैमिली ही फाउंड देयर वाज एन 8 फीट लॉन्ग यंग पाइथन पाइथन माने अजगर आउ सेकंड टाइम जितरे से आसीले जानि पाले गुडे 8 फुट लंबारो गुडे अजगर तांको घरे थिला। व्हाई डिड ही गेट लेस टाइम टू इंटरेक्ट विथ मिस्टर चौधरी दिस टाइम आउ सेकंड टाइम जितले से आसीथिले से बहुत कम टाइम पाइथिले इंटरेक्ट माने तांको संगरे कथावार्ता करबा पई से बहुत कम टाइम पाइथिले आउ यहर कारण कोन थिला ही गॉट लेस टाइम टू इंटरेक्ट विथ मिस्टर चौधरी से बहुत कम समय पाइथिले मिस्टर चौधरी को संगरे कथावार्ता करिया पई बिकॉज एट दैट मोमेंट बिकॉज से टाइम रे मिस्टर चौधरी गॉट ए वायरलेस मैसेज from the World Wildlife Fund WWF रु सरोजरा चौधरी को पाई गुटे वायरलेस मेसेज आस्तिला टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग एट न्यू दिल्ली आउ दिस वाज द ओनली रीजन राइटर सरोजरा चौधरी को संगरे बेसी समय कथावार्ता करि पाले नाही। हु डाइड फर्स्ट खैरी और मिस्टर चौधरी खैरी और मिस्टर चौधरी को मध्यरु किए प्रथमे मरिथिले खैरी डाइट फर्स्ट सो खैरी प्रथमे मरीला तार किछि दिन परे सरोजराज चौधरी को मध्य डेथ हो जाइथिला। हु आर द टू लेजेंड्स द राइटर टॉक्स अबाउट राइटर जो स्टोरी रे दुईटी लेजेंड विषय रे कहि जने से माने किए द टू लेजेंड्स द राइटर टॉक्स अबाउट आर खैरी प्रथमे होची खैरी एंड सेकंड होचंदी मिस्टर सरोजराज चौधरी। इज द टेक्स्ट मोर अबाउट मिस्टर चौधरी और खैरी ए टेक्स्ट ही कहा विषय रे कहा विषय अधिक लिखा है जी मिस्टर चौधरी को विषय रे ना खैरी विषय रे द टेक्स्ट थ्रोस मच लाइट ऑन मिस्टर चौधरी हमें जति की भी स्टोरी रे पढिलु बेसी कहा को तक आई जी मिस्टर चौधरी को विषय रे और से ही खैरी रो सब स्टोरी हम को कहउ चंदी येट खैरी डज नॉट लैग फार बिहाइंड लैगिंग बिहाइंड रो अर्थ हो जी पछर रह जीवा किंतु खैरी मध्ये हटी पछर रह जाई नाही। नेक्स्ट हो जी कैन यू गेस नाउ Why the title of the text is Legend Behind the Legend? ए जो story रो title अच्छी Legend Behind the Legend, एटा कौन पाई रखा है जी? द
The title is aptly justified. Aptly माने जोरथार तरे जो title ना रखाई ची legend behind a legend यह जोरथार तो अटे because the legendary passionate and instinctive lover of wildlife has been instrumental in transforming a 2 months old tiger baby into a legend. She is Khairi. तो जो पैशनेट आउ इंस्टिंक्टिव लवर थिले कहार वाइल्ड लाइफ रो किए थिले से सरोजराज चौधरी से बहुत नेचुरली वाइल्ड एनिमल्स मन को भल पाउथिले आउ जे के ट्रांसफॉर्म करथिले जे के चेंज करथिले कहा को गुटे छोटो टाइगर कब रु खैरी बने पारथिले जे के गुटे लेजेंड हे पारथिला जहा पई गुटे पूरा सिटी फेमस हे जाइथिला तो एटा ट्रांसफॉर्म करथिले कि ए ट्रांसफॉर्मेशन पछरे कहा रहत थिला सरोजराज चौधरी कर तो सरोजराज चौधरी प्रथम लेजेंड जे कि खैरी भोलिया गोटे छोटो बाघ छुआ को ट्रांसफॉर्म करथिले इनटू अनदर लेजेंड नाउ लेट्स डिस्कस पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज अरेंजिंग इन ऑर्डर एडी किछ सेंटेंस दियाई छी जोडा की डिसऑर्डर रे अछि प्रोवाइडेड बिलो आर सम इवेंट्स फ्रॉम द लेसन हम जो लेसन ने जो स्टोरी जो आकर पढ़िलु आ सेही स्टोरी रु किछ इवेंट्स हमको एडी दियाई छी सेंटेंस आकर रे दिस आर नॉट इन ऑर्डर आ ए सेंटेंस गुडी को ऑर्डर रे नहांती arrange them in order as they occur in the lesson by putting numbers within the brackets provided against the items one is done for you to a side re book re taman ko pai sab bracket dekhibo au eti taman ko number sab likhibar achi jodi eita 1 hobo enti 1 2 enti likhia pai dai ji au mu eti taman ko pai answer likhi dei ji prathame kon heitila the writer reads a news item about khairi jo uta story start heitila amaku sei सीक्वेंस रे ए सब को मैनेज करके लिखिबा पई हबो सो द राइटर रीड्स अ न्यूज आइटम अबाउट खैरी प्रथमे राइटर गुडे न्यूज आइटम रे खैरी विषय रे पढ़ीतेले सेकंड होउची चौधरी राइट्स अ लेटर टू द राइटर चौधरी पठीतेले राइटर को लेटर प्रथमे राइटर पठीते किंतु से लाइन टीट नाही तो आमे जहां पर अछि जहां अछि ताको आमे लिखिबा द राइटर रीचेस जशीपुर बाय बस राइटर जशीपुर पहुंची थे बस रे ही स्टेज विथ चौधरी इन अ कैंप गेस्ट हाउस इन अ फॉरेस्ट जंगल रे चौधरी को संगरे से रही थे गोटे गेस्ट हाउस रे देन खैरी वाज ब्रॉट टू मिस्टर चौधरी तापर जो स्टोरी रे कहाई थिला मिस्टर चौधरी को पाखो को केमती खैरी को अणा जाइथिला सेटा हबो देन सिक्स्थ होची खैरी प्लेड विथ द क्रेट जो स्टोरी कहउथले राइटर को मिस्टर चौधरी क्रेट संगरे खैरी रो खेलिबा स्टोरी देन होची The writer saw a python as a pet of Chaudhary. एटा तंगर सेकंड विजिट परे से कहउछंती जते बेले से सेकंड टाइम आस्तिले गुटे 8 फुट रो लॉन्ग पाइथन तंग घरे देखिथिले देन लास्ट होचे द राइटर सीज मिस्टर चौधरी ऑफ एट दमदम एयरपोर्ट दमदम एयरपोर्ट रे से राइटर मिस्टर चौधरी को छाडी के आसिले बिकॉज़ से एयरपोर्ट रो तंकु फ्लाइट नेकी जिबार थिला दिल्ली बिकॉज़ दिल्ली रे तंकर नेक्स्ट डे गुटे मीटिंग थिला तो स्क्रीनशॉट नहीं परिबो एबे जीवा नोट मेकिंग हेल्प्स यू टू डेवलप योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स दिस लेसन हैज यू नो टू मेजर थीम्स खैरी एंड मिस्टर चौधरी सो नोट मेकिंग समराइजिंग तुम्हारे एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो एटी हमें नोट मेकिंग केमती करा जाय सिखिबा आउ हम स्टोरी रो मेजर थीम दुईटी कोन खैरी आउ मिस्टर चौधरी खैरी ऊपर नोट मेकिंग सेटी करि दिया हिची मिस्टर चौधरी को उपरे आमको नोट्स बनिया पई हबो तो मुई करि दिछि तमो पई पैरा 3 रु कोन हबो मिस्टर चौधरी वाज अ वेरी रिस्पोंसिबल पर्सन पैरा 4 रु हबो कोन हॉस्पिटेबल टू द कोर पैरा 6 अ वीक मैन इन हिज 50 स्लाइटली बैंडिंग ऑन द टॉप नाइस एंड डाउन टू अर्थ रो माने उची भद्र बहुत नम्र वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स Then para 7 ru kichi points nechi wati his experiment concerning the coexistence of wild animal in the presence of khairi and the crate the latter a dangerous snake noticed khairi's reaction of fondness a permanent patient of low blood pressure to eitu tumhe likhi paribo e sabu jinso ku copy re para 8 re tanko bisare point achi strict possessed a joint family of animals in his house para 9 huchi an officer of the indian forest service veteran forester and instinctive lover of wildlife showed skill in handling hungry and confused 2 months old tiger cub
नेक्स्ट हूँ इमिटेटेड द साउंड ऑफ ए मदर टाइग्रेस. पारा 11 हूँ एन ऑथोरिटी ऑफ द टाइगर एंड डायरेक्टर प्रोजेक्ट इन इंडिया. सो नोट मेकिंग कौन जस्ट तार मेन लीडिंग पॉइंट्स हमको लिखा हम पूरा लाइन को कॉपी करके ये लिखनी. इंट्रोड्यूस द टाइगर ट्रेसिंग मेथड ऑफ टाइगर सेंसस. 13 नंबर पैराग्राफ रु आसे वर्ड ग्रासियस. पारा 14 रु अच्छी जर्नी टू न्यू दिल्ली फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग. एंड पारा 15 रु अच्छी द राइटर्स लास्ट मीटिंग विथ हिम इन द दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता. द लेजेंड बिहाइंड द लेजेंड ही इज नो मोर. अब मिस्टर चौधरी को ऊपर एटी गोटे समरी लिखी तो मैंने यहाँ को मध्य कॉपी रे लिखि नबो. देन देखिबा कौन होची नेक्स्ट एक्टिविटी डूइंग विथ वर्ड्स कोलोकेशन. कोलोकेशन रो माने कौन कोलोकेशन एंड एक्सप्रेशंस मींस व्हिच वर्ड्स टू गो विथ व्हिच अदर वर्ड्स. कोलोकेशंस आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल स्वीट ड्रीम्स को वर्ड संगरे यूज करा हबो दैट इज कॉल्ड कोलोकेशन. दीज आर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस. फॉर एग्जांपल स्वीट ड्रीम तो स्वीट संगरे हमें गोटे एक्सप्रेशन यूज करू स्वीट ड्रीम्स डे ड्रीम्स बैड ड्रीम्स पाइप ड्रीम्स हार्ड अर्न मनी ये भाव में यूज कर था. हार्ड अर्न मनी माने बहुत कठिन परिश्रम करके इनकम कर पैसा पब्लिक मनी एक्स्ट्रा मनी टैक्स पेयर्स मनी. सो ये भाव में दिस वर्ड्स आर कॉल्ड कोलोकेशंस. मैच द कलम्स तुमको क्वेश्चन अच्छी मुझे आंसर सीधा लिखी दीची. डिस्टर्ब्स गोटे कोलोकेशन हम स्लीप वाटर हम बियरर वाटर बियरर हो पार लिविंग हम लेजेंड एब्सर्ड हम थ्योरी एब्सर्ड थ्योरी कह जाए. स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हम डिबंक हम एन आईडिया और डिबंक थ्योरी हो पार. तो स्टोरी अच्छी वर्ड डिबंक द थ्योरी एटी ऑप्शन रे अच्छी एन आईडिया. सो डिबंक द आईडिया भी करी हम. नेक्स्ट जीबा फाइंड आउट लाइव कोलोकेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट रे किछ कोलोकेट वर्ड दिया है जी ताकू तो मन को खोजी के लिखिया पई हबो. एंड आई हैव डन द आंसर्स फॉर यू. एग्जांपल होची टू टेक अ फैंसी एजी आउ किछ वर्ड्स अछि यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. गोटे हूँ ग्रुप नो नॉनसेंस सफर नो फूल्स एटी कूल्स बुले ही सफर नो फूल्स हम टेरस्टक नो नॉनसेंस हाइपोग्लिकेमिया. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट एक्टिविटी विच वर्ड इन ईच लाइन डज नॉट कोलोकेट विद द हेड वर्ड. ये जो हेड वर्ड दिया थ्योरी आगे तीन चार वर्ड हमको दिखाई को वर्ड टी हेड वर्ड सांगे कोलोकेट करूना. सो थ्योरी पई देची कम अप विथ हम लिखु कम अप विथ द थ्योरी डिबंक द थ्योरी बिल्ट अ थ्योरी बट डू एटी हबो नाही. सो ए भले बाबरे मु तमनको पई आंसर उडा को रेड रे लिखि देची को गुडा हेड वर्ड संगरे कोलोकेट करूने. डिबेट ओपन डिबेट हे परिवो लिसनिंग टू ए डिबेट हे परिवो जॉइन इन अ डिबेट हे परिवो बट फाइंड डिबेट हे परिवो नाही. लेजेंड फेमस लेजेंड हे परिवो वेल नोन लेजेंड हे परिवो स्पोर्ट्स लेजेंड मध्ये हे परिवो बट फ्रेश वर्ड एटी लागिबो नाही. वेटरन सोल्जर हे परिवो आइडलिस्ट हे परिवो एक्टिविस्ट हे परिवो बट वेटरन मैन एटी हबो नाही. ग्रासियस पई लागि परिवो वेलकम हॉस्पिटैलिटी एंड स्माइल बट एटी बिल्डिंग हे परिवो नाही. सो माय डियर स्टूडेंट दिस मच फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन वेरी क्लियरली. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब लिटरेचर लाइब्रेरी फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Oh, 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 oh,